हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राज। दोस्तों, फिर हम एक नए टॉपिक में हैं, एक नए वीडियो के साथ। तो एक्चुअली टॉपिक पुराना ही है, लेकिन इसमें कुछ नया है। ये वाईफाई राउटर के बारे में हम दोबारा बात करेंगे। और इस टॉपिक में वाईफाई राउटर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूँ। एक साथ सारी चीज़ें बताएंगे तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा और आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हर एक उसके वाईफाई राउटर के अंदर जितने सारे सेटिंग हैं, जितने सारे कॉन्फ़िगरेशन हैं, उनको एक एक करके अलग अलग सेपरेट वीडियो में बनाएं। वीडियो छोटा बनाएं, आपको भी मज़ा आए देखने में और आपको जल्दी समझ में भी आए। और मुझे ऐसा, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको जल्दी समझ में नहीं आता, मगर किसी चीज़ को हम पार्ट पार्ट में करके करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि वाईफाई राउटर में आजकल, मतलब कुछ टाइम से, जब से 5G आया है 2-4 सालों से मार्केट में, तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है कि बंदा 5G पे कनेक्ट करता है, सामने वाला रेंज ज़्यादा नहीं मिलती, और 2.4 पे कनेक्ट करता है तो स्पीड ज़्यादा नहीं मिलती। तो एक दिन ऐसे ही मैं काम कर रहा था, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था, तो वो जाने अनजाने में मेरे से दोनों सिग्नल वो मर्ज हो गए। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि सिग्नल को कैसे मर्ज करना है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी और आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। वो अपने आप स्विच करता रहेगा 2.4 और 5G पे। तो उसमें क्या होगा कि जहाँ उसको लगता है राउटर को कि भाई इस रेंज तक गुड कनेक्शन है, तो आपको वो 5G की स्पीड दे देगा वो। और जहाँ थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे सिग्नल उसका वीक होने लग जाएगा, तो आप 2.4 पे शिफ्ट कर लेंगे। तो इसे ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप 5G को इंजॉय कर पाएंगे, 5G की स्पीड का मज़ा ले पाएंगे, और रेंज भी आप नहीं खोएंगे, क्योंकि जैसे ही वो डिस्टेंस बढ़ता है, 5G से 2.4 पे शिफ्ट हो जाता है वो अपने आप ऑटोमेटिक। तो बड़ी इजी सेटिंग है, और चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जांपल देना बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है मुझे एग्जांपल देने में। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठ रहा है एग्जाम्पल, बट है फिर भी यूजफुल है। जैसे साइकिल होती है ना, साइकिल हमारी कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली साइकिल। तो साइकिल जब हम पैर से चलाते हैं, बाई साइकिलिंग करते हैं, हम जब पैर से करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थक जाते हैं हम, बहुत ज़्यादा रेंज कवर नहीं कर सकते, थक जाते हैं। साथ में हमारी स्पीड की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि हम उसको अपने पैरों से चलाते हैं। और अगर हम उसी साइकिल में इलेक्ट्रिक मोटर लगा दें, बैटरी लगा दें, तो कितना मज़ा आएगा साइकिल चलाने में। उस टाइम पे जब आप साइकिल चलाएंगे, तो आपकी स्पीड, आप बीच बीच में अपना पैडल भी मार लेंगे, फिर उसको मोटर पे भी चला लेंगे, बैटरी पे भी चला लेंगे। उसके बाद उसमें सोलर पैनल अगर लगा हो, तो आप काफ़ी लंबा रूट भी कवर कर सकते हैं उससे, मतलब उसकी रेंज बढ़ जाएगी, वो चार्ज भी होती रहेगी। तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, साइकिल 2.4 और उसमें 5G, उसमें अपग्रेड ऑफ द बैटरी एंड मोटर, न्यू टेक्नोलॉजी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता, तो सोने पे सुहागा हो जाता। इसी तरह से ये है। तो आइए चलिए करते हैं स्टार्ट, और मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर करता हूँ, और इसमें दिखाते हैं कि किस तरह से, कितना इजीली आप इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मैंने अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया है, जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डी लिंक करके राउटर है, डी लिंक 5G, डी लिंक 2.4 है। मेरे पास ये राउटर पड़ा है जो 5G में, इसका 2.4 वाला बैंड ये है, जो कि डी लिंक के नाम से आ रहा है, और 5G वाला आपने देख लिया। अभी अपने को क्या करना है, कोई सा भी कनेक्ट कर लेना है, और हम जाएंगे ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम पे। यहाँ पे आईपी डली है 192.168.0.1। ज़्यादातर राउटरों की आईपी जो है यही होती है, 0.1 या फिर 1.1, दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। इसको मैंने जो है सर्च कर लिया, रीलोड करके, सर्च में नहीं आया, तो एक बार दोबारा हम टाइप कर लेते हैं 192.168.0.1। ठीक है, ये राउटर ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओपन होते ही सबसे पहले इसने SSID वाला ही पेज खोल दिया, जहाँ पे आप नाम और पासवर्ड डालते हैं। तो जैसे मान लो हमें इसमें डालना है, अगर हम चाह रहे हैं कि 2.4 और 5G दोनों हम मर्ज कर दें, तो दोनों में आपको कोई भी एक एक बिल्कुल नाम, अगर मान लो हरिओम डालना है, रवि डालना है, कुछ भी डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ रवि, ठीक है, रवि डाल दिया, तो आपको यही वाला 2.4 में भी डालना पड़ेगा, सेम कैप्स पहला वाला, ठीक है, और रवि, बस ये सेव, आगे कुछ भी नहीं लिखना है, दोनों में सेम रहेगा। सेव एंड अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये सेव हो रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं ये 18 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, सेव होने देते हैं इसको, सेव हो गया। अभी फिर अपन क्या करेंगे,
अब फिर से जाएंगे उस वाले सिग्नल को सर्च करेंगे, अभी शो करेगा। हमने 2.4 बैंड और 5G बैंड दोनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आदित्य करके आ रहा है किसी का, आदित्य फाइव जी वाला देखिए अलग से नहीं दिखा रहा है, अब यहाँ पे शो किया है। देखिए अभी इतनी देर बाद शो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रवि 2.4 और 5G, इस तरह से ये दिखाएगा। और आप अभी इसको इस पर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मेरा अभी नो इंटरनेट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा है, सिर्फ मैं आपको सिग्नल को मर्ज करना बता रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से करने के बाद आपको इंटरनेट के सेटिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, आपका इंटरनेट जैसे वैसे ही रहेगा। और इसको फिर हम आप जब डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये 2.4 पे शिफ्ट हो जाएगा, डिस्टेंस से कम पे आएंगे तो 5G पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे डिसकनेक्ट करके एक बार कनेक्ट करता हूँ तो अभी ये चेंज हो सकता है, हो सकता है कि ये 2.4 पे चला जाए, बट अभी मैं रेंज में हूँ राउटर के तो 5G और 2.4 देना तो दोनों दिखा रहा है। तो आपने देख लिया कितना ईजी है, बहुत ईजी है इसको चेंज करना। और इससे क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आप जो है 5G वाला बैंड यूज़ कर पाएंगे, जब भी आप रेंज में आएंगे 5G पे आएंगे। डिस्टेंस पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, 2.4 पे कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है 2.4। तो देखा आपने कितना ईजी है किसी भी स्टेप को सीखना, अपने वाईफाई राउटर के 5G और 2.4 दोनों बैंड का एक साथ इस्तेमाल करना, उसका पूरा बेनिफिट उठाना कितना आसान है। आप भी कर सकते हैं अपने घर पे, आप ट्राई करिए और हमें कमेंट में करके बताइए अगर आपको अच्छा लगता है तो। आपको अगर आपने इसको करने में सफल रहे, अगर आपको कोई दिक्कत आती तो कमेंट में करिए, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा, वहाँ पर बताऊँगा क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कैसे कैसे करना है। बहुत ही आसान है, सिंगल सेटिंग है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो यार। ओके, बाय बाय।